हेलो फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर इन जावा की सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरे तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आएगा आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी चलिए तो स्टार्ट करते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर को तो अब मान लीजिए कि आपको कुछ डेटा स्टोर करना है दो या तीन डेटा आपके पास है और उसको आपको स्टोर करना है और वो डेटा जो है वो इंटीजर है तो आप उसके लिए क्या करोगे आप उसके लिए इंटीजर वेरिएबल्स बनाओगे और उसके अंदर वैल्यू उसको स्टोर कर लोगे बहुत ही सिंपल है ये काम तो और ये काम आप करते भी आ रहे हो लेकिन अगर मान लो कि आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है ठीक है ना और सभी डेटा एक ही टाइप का है एक ही टाइप का है मतलब कि आपको मान लो हंड्रेड डेटा का साइज है हंड्रेड डेटाज है आपके पास और वो सारे डेटा जो है वो इंटीजर टाइप के हैं या फिर आपके पास एक हजार डेटा का साइज है और वो सारा डेटा जो है वो फ्लोट टाइप का है तो इसका मतलब कि आपको बहुत सारे डेटा को स्टोर करना है लेकिन खास बात यह है कि सारे डेटा का टाइप जो है वो सेम है तो यहाँ पर आपको एरे बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा क्यों क्योंकि अगर मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि नॉर्मल एक हजार वेरिएबल्स आपको बनाने हैं तो हर एक वेरिएबल का एक नाम रखना पड़ेगा और कॉमा सेपरेट करके उन सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू असाइन करोगे जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक हजार वेरिएबल्स का आप नाम क्या रखोगे नाम सोचने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा कि डेटा को स्टोर करने की बात तो बहुत दूर है और फिर अपने प्रोग्राम का लॉजिक आप कब लिखोगे ठीक है तो यहां पर हमें एक शॉर्टकट प्रोवाइड करती है हर लैंग्वेज एरे एरे जो होता है वो सी लैंग्वेज में भी होता है सी प्लस प्लस में भी होता है जावा में भी होता है पाइथन में भी होता है सभी लैंग्वेजेस में आपके पास एरे होता है ठीक है लेकिन यहां पर एरे को यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है ठीक है यहां पर आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप एरे के इस्तेमाल से एक साथ कई सारे वेरिएबल्स को चुटकियों में आप क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो कैसे तो यहां पर आप जब एरे बनाना है तो एरे बनाने का आपको दो या तीन तरीके से आप एरे बना सकते हो जावा में एक तरीका यह है कि आप अपना डेटा टाइप का नाम लिखोगे जैसे कि इंटीजर टाइप का अगर आपको बनाना है तो आप इंटीजर लिख दोगे अगर आपको कैरेक्टर टाइप का बनाना है तो आप कैर लिख दोगे अगर आपको फ्लोट टाइप का बनाना है तो आप फ्लोट लिख दोगे अगर आपको डबल टाइप का बनाना है तो आप डबल लिख दोगे जो भी डेटा टाइप आपको बनाना है वो यहाँ पर आप डेटा टाइप मेंशन करोगे उसके बाद एरे का कोई एक नाम दे दोगे जैसे कि मान लो कि मैंने एरे का नाम ए दिया है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे ठीक है तो यहां पर आप एरे का नाम बी दे सकते हो सी दे सकते हो या डी दे सकते हो इस तरीके से आप अपने एरे को डिक्लेयर कर सकते हो लेकिन अभी हमने सिर्फ वेरी एरे को डिक्लेयर किया है अभी एरे बना नहीं है इट इज ओनली अ डिक्लेरेशन ये सिर्फ डिक्लेरेशन है इसका मतलब क्या है डिक्लेरेशन का मतलब यह हुआ कि आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो कि इस तरीके का एरे होगा ठीक है ना लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एरे बना है सिर्फ आपने डिक्लेयर किया है जैसे कि मान लो कि कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है तो पहले वो एग्जाम को डिक्लेयर करता है कि इतनी तारीख को एग्जाम होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम स्टार्ट हो गया है सिर्फ हम बता रहे हैं कि एग्जाम होगा आपके घर में कोई आने वाला होता है तो वह आपको फोन कर कर इन्फॉर्म करता है कि मैं इतनी तारीख को आऊंगा ठीक है या फिर मैं आ सकता हूं आपके घर में हो सकता है कि वो आपको डेट भी ना बताए कि किस दिन वो आएगा लेकिन वो आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम यहां पर इस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम यहां पर एरे बना नहीं रहे हैं कोई भी मेमोरी एलोकेशन यहां पर अभी नहीं हुआ है आपने सिर्फ ये बताया है कंपाइलर को कि देखो इस तरीके का एरे है मतलब इंटीजर टाइप का आप एरे बना सकते हो जिसका कि नाम ए होगा अब उसका साइज क्या होगा कैसे क्रिएट होगा वो अभी मैं बताऊंगा ठीक है और यहां पर ये सी और सी प्लस प्लस से अलग है सी और सी प्लस प्लस से क्यों अलग है क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में आप जब भी एरे को डिक्लेयर करते हो तो वहां पर आपको साइज भी मेंशन करना पड़ता है और उसी समय एरे क्रिएट भी हो जाता है मतलब जैसे ही आपने एरे को डिक्लेयर किया उसी समय एरे क्रिएट भी हो जाता है लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता जावा में जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तो एरे क्रिएट नहीं होता और यहां पर आपको साइज नहीं देना है सी और सी प्लस प्लस में आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां पर साइज मेंशन करते थे जावा में नहीं करना है ठीक है मैं इसलिए सी और सी प्लस प्लस से कंपेयर कर रहा हूं ताकि अगर आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस पढ़ रखी है तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा दूसरा डिफरेंस ये है कि सी सी प्लस प्लस में एरे जो होता है वो आपका उसका साइज जो है आपको कंपाइल टाइम पे ही बताना पड़ता है लेकिन यहाँ पर डायनामिकली रन टाइम पे एरे क्रिएट होगा ठीक है तो रन टाइम पे क्योंकि एरे क्रिएट होगा तो इसका साइज जो है आप डायनामिकली बताने वाले हो कैसे आप जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट को पहले लगाओ बाद में लगाओ आप चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट को एरे के नाम से पहले भी लगा सकते हो ठीक है ना तो दूसरा तरीका यह है कि आप एरे को जब डिक्लेयर करते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट को आप पहले भी लगा सकते हो ठीक है ना तो जब स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको आप पहले भी लगा सकते हो एरे के नाम से पहले भी और एरे के नाम के बाद में भी और इस ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको स्पेस रखना है आप स्पेस नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा ठीक है आप बिना स्पेस के भी अगर क्रिएट करना चाहोगे तो भी चल जाएगा कि इंट और स्क्वायर uh, ब्रैकेट के बीच में कोई स्पेस नहीं है तो भी चल जाएगा ठीक है ना तो इनमें से किसी भी तरीके से आप अपना एरे uh, को डिक्लेयर कर सकते हो लेकिन अभी सिर्फ डिक्लेयर हुआ है अभी आपको मेमोरी नहीं मिली है आपके एरे को मेमोरी एलोकेट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो मेमोरी एलोकेट कराने के लिए आपको यहां पर एक और लाइन लिखनी पड़ेगी तो जैसे कि आपने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया है इंट ए जब डिक्लेयर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहीं पर भी नेक्स्ट लाइन जरूरी नहीं है कि उसके तुरंत बाद नेक्स्ट लाइन कहीं पर भी, जहां पर भी भी जहां आपको एरे की जरूरत है वहां पर आप एरे का नाम लिखोगे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओगे और न्यू कीवर्ड की मदद से मेमोरी एलोकेट होती है आपको पता होना चाहिए न्यू कीवर्ड की मदद से जब भी हम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं तो वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है मतलब मेमोरी तब एलोकेट होगी जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होगा उसके बाद हम इंट लिखेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एरे का साइज बताएंगे कि कितने साइज का हमें एरे क्रिएट करना है तो फिर जैसे कि मान लो मैंने यहां लिखा टेन तो टेन साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा जब ये दोनों लाइन हम लिख देंगे डिक्लेरेशन वाली लाइन और असाइनमेंट वाली लाइन ये जो पहली लाइन है इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन मतलब कि हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं एरे बनेगा और दूसरे लाइन में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके असाइन कर रहे हैं मतलब मेमोरी यहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं ऐसा लिखने से क्या होगा एक एरे बन जाएगा एरे मतलब क्या होता है एरे मतलब होगा कि आपको एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा आपको लगातार में मेमोरी एलोकेट होगी और मेमोरी का साइज कितना होगा क्योंकि हमने इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करवाई है तो इंट जो होता है वो फोर बाइट लेता है और हमने ऐसे कितने ब्लॉक्स एलोकेट करवाएर इंटू टेन इट मीन बाइट हो जाएंगे और हर एक एक बाइट का एड्रेस होता है तो यहां पर हमारे पास टेन ब्लॉक्स बन जाएंगे और हर एक ब्लॉक जो होगा वो फोर फोर बाइट का होगा और उसका एरे का इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है एरे क्रिएट हो जाएगा अब आपको ये समझना चाहिए कि एड्रेसेस होते हैं अब यहां पर तो पॉइंटर्स का और एड्रेस का कोई यहां पर जावा में ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन अगर आपको इंटरनल वर्किंग अगर समझनी है तो आप समझो कि जैसे कि मान लो कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस अगर हंड्रेड है और हर एक बाइट को एक एड्रेस एलोकेट होता है इंटरनली तो अगर यहां पर फोर्टी बाइट है मतलब कि यहां पर एलोकेट होंगे और अगर स्टार्टिंग एड्रेस अगर एरे का हंड्रेड है और हर एक ब्लॉक फोर बाइट लेने वाला है तो हंड्रेड हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड टू एंड हंड्रेड एंड थ्री टोटल चार बाइट यहां पर एलोकेटेड है मतलब चार एड्रेस यहां पर है लेकिन हम कभी भी चार एड्रेस नहीं बोलते हैं हम एक ही एड्रेस बोलते हैं जैसे कि मान लो आपने चार घर खरीद लिए अब अगर आपने चार घर खरीदे तो जब आपने घर खरीदे तो वो चारों घरों के अलग अलग एड्रेस थे पहले घर का हाउस नंबर वन होगा हाउस नंबर टू हाउस नंबर थ्री हाउस नंबर फोर आपने चारों घर खरीद के एक बड़ा सा घर बना लिया लेकिन अब आप कभी भी किसी को बताओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि हाउस नंबर वन में आना है या टू में आना है या थ्री या फोर आप हमेशा कहोगे हाउस नंबर वन में आओ क्योंकि हाउस नंबर वन से लेकर हाउस नंबर फोर तक आपका है और नेक्स्ट हाउस किसका होगा नेक्स्ट हाउस मतलब हाउस नंबर वन के बाद अगला हाउस हाउस नंबर फाइव होगा तो इसी उसी तरह से अगर मैं हंड्रेड से शुरू कर रहा हूं तो हंड्रेड वन टू थ्री चार बाइट्स आपको एलोकेटेड हो चुके हैं अगला एड्रेस हंड्रेड एंड फोर होगा उसके बाद हंड्रेड एंड एट एंड सोवन इस तरीके से एड्रेस होता है अब एरे का इंडेक्स जीरो से क्यों स्टार्ट होता है कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है लेकिन वो या तो पूछते हैं कुछ लोगों को जवाब मिल पाता है कुछ को नहीं मिल पाता है और वो याद कर लेते हैं कि एरे का एड्रेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स लेकिन एरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि इंटरनली जब कंप्यूटेशन होता है एड्रेस का तो वो किस तरीके से होता है कि एरे का जो नाम होता है वो बेस एड्रेस को डिनोट करता है तो अगर हमने ए बोला इसका मतलब कि हम बेस एड्रेस की बात कर रहे हैं यहां पर और बेस एड्रेस हमारा हो गया कितना हंड्रेड अब अगर मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस करना है तो मैं कहूंगा कि हाँ मुझे हंड्रेड लोकेशन की मेमोरी को एक्सेस करना है तो मैं सिर्फ ए लिखूंगा लेकिन अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे वन इंडेक्स वाली मेमोरी को एक्सेस करना है मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कि वाली मेमोरी को एक्सेस करना 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 है तो मुझे मुझे इस 100 के ऊपर प्लस प्लस पड़ेगा मतलब कि मुझे ए पर प्लस वन करना पड़ेगा अगर मैं ए पर प्लस वन करूंगा तो इससे होगा क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं कहना चाह रहा हूं हंड्रेड में प्लस वन करो अब नॉर्मल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हंड्रेड में अगर मैं प्लस वन करता हूं तो ये हंड्रेड एंड वन होना चाहिए लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है यहां पर इंक्रीमेंट होता है नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक पर और नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक मतलब कि हर एक ब्लॉक अगर चार चार बाइट का है तो ये चार बाइट से इंक्रीमेंट होगा अगर हर एक ब्लॉक एट बाइट्स का है तो ये एट बाइट एट से इंक्रीमेंट होगा अगर हर एक ब्लॉक वन वन बाइट का है तो वन से इंक्रीमेंट होगा टू बाइट का है तो टू से इंक्रीमेंट होगा तो क्योंकि इंटीजर यहां पर फोर बाइट लेता है तो जब हम वन प्लस करेंगे तो ये वन से इंक्रीमेंट नहीं होगा ये फोर से इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा हंड्रेड एंड फोर इसलिए अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एक्चुअल में ए नहीं लिखा है यहां पे लिखा हुआ है ए प्लस जीरो कि स्टार्ट कहां से करना है स्टार्ट करना है आपको ए प्लस जीरो से मतलब हंड्रेड प्लस जीरो से स्टार्ट करना है जो कि हंड्रेड ही रहेगा तो इसलिए यहां पर इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है क्योंकि एरे का नाम खुद ही स्टार्टिंग एड्रेस बताता है तो अगर मुझे ऑलरेडी स्टार्टिंग एड्रेस पता है तो मुझे वहां पर कुछ प्लस करने की जरूरत है क्या नहीं है इसका मतलब कि हम स्टार्ट जब करेंगे तो उसमें जीरो प्लस करेंगे ताकि मैं वहीं रहूं और उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकूं तो आपको आंसर मिल गया होगा कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो जीरो से क्यों स्टार्ट होता है अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि यहां पर जो मेमोरी एलोकेट होती है वो डायनामिकली एलोकेट होती है ये दूसरा डिफरेंस हो गया तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब हम सी और सी प्लस प्लस में जब हम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं तो वहां पर गार्बेज वैल्यू होती है अगर हमने लोकल वेरिएबल बनाया है तो अगर लोकल एरे बनाया है तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है मतलब उसके अंदर अनप्रिडिक्टेबली कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन जावा में जब हम एरे बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जीरो इनिशलाइज हो जाता है मतलब यहां पर गार्बेज वैल्यू का कोई रोल नहीं है अगर आपने एरे बनाया है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सारी वैल्यूज क्या होंगी जीरो होंगी अब बात करते हैं कि एरे बनाने का फायदा क्या है एरे बनाने का फायदा यह है कि पहली बात तो हमें यहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है ये और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि सारे यहाँ पर जो वैल्यूज है वो लीनियरली स्टोर होंगे आप कंटिन्यूसली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो और सबसे अच्छा फायदा इसके अंदर यह है कि आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो मतलब कि अगर मुझे ये फिफ्थ एड्रेस पर अगर मुझे टेन स्टोर करना है फिफ्थ इंडेक्स पर अगर मुझे टेन स्टोर करना है तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं कि ए ऑफ फाइव में असाइन कर दो टेन तो इस तरीके से डायरेक्टली वैल्यू असाइन हो जाएगी ठीक है तो हमने एरे को क्रिएट करना सीख लिया इनिशलाइज करना सीख लिया हाँ अगर हम चाहें तो यहां पर हम एक शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा काम और जल्दी हो जाएगा तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि डिक्लेरेशन और असाइनमेंट को हमने दो लाइन में लिखा है आप चाहो तो इन दोनों को मर्ज करके एक लाइन में भी लिख सकते हो मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हो कि आपने यहां पर एरे बनाया एरे को डिक्लेयर किया और इक्वल टू करके तुरंत यहीं पर ही आप इनिशलाइज भी कर दो ठीक है यहां पर आप वेरिएबल एरे को क्रिएट भी कर दो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन तो आपने यहां पर एरे को डिक्लेयर भी कर दिया है और उसको क्रिएट भी कर दिया है दोनों काम अगर आपने एक साथ कर दिया है तो इसको कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन बिल्कुल उसी तरह से जब आपको एरे जब आपने यहां पर इनिशलाइज किया है तो इसके अंदर सारी वैल्यूज जीरो है और फिर आप एक, -एक करके उसके अंदर वैल्यूज असाइन करोगे तो आपने ए जीरो में जैसे कि आपने रख दिया मान लो फाइव ए वन में आपने मान लो रख दिया टू इस तरह से वैल्यूज इसके अंदर आ जाएगी कि यहां पर फाइव आ जाएगा और यहां पर टू आ जाएगा एरे इंडेक्स जीरो पर फाइव आ जाएगा और एरे इंडेक्स वन पर टू आ जाएगा लेकिन इसको भी इनिशलाइज करने का भी एक शॉर्टकट है आप चाहो तो आप यहां पर एरे लिखो एरे का साइज बताने की जरूरत नहीं है आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन डायरेक्टली ऐसा लिखकर छोड़ दो यहां पर आपको न्यू कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने न्यू इंट लिख दिया तो भी चलेगा अगर आपने न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा है तो भी ये चल जाएगा नए वर्जन के अकॉर्डिंग मतलब कि आप यहां पर न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट लिख भी सकते हो और आप उसको छोड़ भी सकते हो डायरेक्टली आप यहां पर वैल्यूज इनिशियलाइज कर दोगे तो आपको डायरेक्टली आपके एरे में ये सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएगी मतलब कि डायरेक्टली आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहां पर स्टोर हो जाएगा ऑब्वियसली हमने यहां पर इंडेक्स एक ज्यादा बना लिया है क्योंकि हमने एरे का साइज टेन लिया था क्योंकि हमने एरे का साइज टेन लिया था तो जीरो से स्टार्ट होगा और नाइन तक हमारे पास इंडेक्स एलोकेट होगा टेन नंबर का इंडेक्स हमारे पास नहीं रहेगा ठीक है तो हम हमने अगर टेन साइज का एरे बनाया है तो हमारा इंडेक्स जीरो से लेकर नाइन तक रहेगा ठीक है बाकी इसका एक और शॉर्टकट है हमारे पास एरे को इनिशलाइज करने का लूप की मदद से तो हम एक फॉर लूप लगाकर वैल्यूज इनिशलाइज कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अब कोड में देखते हैं जैसे ही हमने यहां पर हमारा मेन फंक्शन बनाया मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर हमारा एरे बना लिया ए और इसके इसको अभी हमने यहाँ पर तुरंत असाइन भी कर दे रहे हैं तो यहाँ पर हमने वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 और 10 10 वैल्यूज मैंने यहां पर इनिशियलाइज कर दी और यहां पर एरे जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है एक बात और यहां पर नोट करने वाली है कि यहां पर जो एरे होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है और क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है क्लास से तो इसका मतलब यहां पर अगर क्लास होगी अगर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो इंटरनली इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटीज होगी कुछ मेथड्स होंगे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसको कि हम यूज कर सकते हैं तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ लेंथ ऑफ द एरे अगर मान लो कि मुझे एरे की लेंथ निकालनी है तो इस एरे में एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ नाम की जिसको कि यूज करके मैं एरे की लेंथ को डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूं जो कि सी और सी प्लस प्लस में डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते थे तो यहां पर मैंने एक फॉर लूप लगाया और मैं पूरे एरे को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैंने यहां पर आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया आई लेस देन अब यहां पर नॉर्मली हम टेन लिखते और आई प्लस प्लस लिखते अगर ये सी प्लस प्लस कोड होता तो क्योंकि यहां पर मुझे एरे का साइज बताना पड़ता कि टेन होगा अगर मैंने यहां पर साइज को चेंज किया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एरे के साइज को टेन से कर दिया नाइन तो ये चेंजेस मुझे यहां पर भी करना पड़ेगा यहां पर भी मुझे जीरो टू नाइन तक चलाना पड़ेगा लूप लेकिन सी जावा में एक फायदा है जावा में बेनिफिट यह है कि यहां पर मुझे साइज की चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एरे के अंदर लेंथ तो आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखो ऑब्जेक्ट है आपका ए और डॉट करके आप लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करो ए डॉट लेंथ ऑटोमेटिकली आपके एरे की लेंथ को ले लेगा अगर आपका एरे फाइव साइज का है तो लेंथ के अंदर फाइव आ जाएगा अगर आपका एरे टेन साइज का है तो टेन आ जाएगा 9 है तो 9 आ जाएगा मतलब अब आपको इस कोड को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है और आप सिस्टम डॉट डॉट आउट प्रिंट से पूरा एरे को प्रिंट कर सकते हो तो आपको एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो यहां पर आपने ए ऑफ आई लिखा और थोड़ी सी स्पेस हम यहां पर दे देते हैं ताकि वैल्यूज जो है वो थोड़ी स्पेस में प्रिंट हो ठीक है तो इस तरीके से हम यहां पर वैल्यूज uh, को प्रिंट करवा कर देख लेते हैं ठीक है तो इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं चलाऊंगा यहाँ पर तो आप देखेंगे कि वन से लेकर टेन तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई और अगर मैंने यहां पर वैल्यू में चेंजेस भी कर दिया जैसे कि मान लो कि मैंने टेन के बाद मैंने इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एलिमेंट्स एड कर दिए और मैंने प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं किया ना ही मैं फॉर लूप में कोई चेंज करूंगा कहीं पर कोई चेंज नहीं करूंगा और मेरा जो प्रोग्राम है वो आगे तक की वैल्यूज के लिए चलने लगेगा यहां पर मुझे इसको सेव करना पड़ेगा और सेव करके जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो देखो ये वन से लेकर फिफ्टीन तक चल गया तो ये कितना कमाल की चीज है कि हम बिना कोई चेंज करे हम प्रोग्राम को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जावा में एक और फायदा है जावा में एक और फायदा यह है कि यहां पर हम इस तरीके के लूप के बिना भी इसका काम कर सकते हैं हमारे पास यहां पर एक फॉर ईच लूप होता है जो कि सी और सी प्लस प्लस में नहीं होता है हम यहां पर एक एनहेंस्ड फॉरलूप यूज कर सकते हैं जिसको कि हम फॉर ईच कहते हैं तो ये किस तरीके से वर्क करता है कि यहां पर आपको कोलन लगाना होता है ठीक है यहां पर आपको कोलन लगाना होता है और सबसे पहले बताना होता है कि इसके अंदर इंटीजियर टाइप की वैल्यू है और वो एरे में से ए से निकालोगे अब ये किस तरह से वर्क करता है देखो यहां पर हमने सिर्फ एरे का नाम देंगे और कुछ भी नहीं ना ही हम ये बताएंगे कि एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा ना ही मुझे ये बताने की जरूरत है कि एरे की लेंथ कितनी है और ना ही मुझे यहां पर आई प्लस प्लस कुछ करने की जरूरत है ऑटोमेटिकली यहां पर यह लूप इस तरह से काम करेगा कि एरे के इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट करेगा और एरे के इंडेक्स नंबर जीरो पे जो वैल्यू रखी होगी उसको एक्स के अंदर असाइन कर देगा और फिर आप एक्स की वैल्यू को यहां पर प्रिंट कर दो देखो मैं आपको थोड़े से शॉर्टकट भी सिखाते चलूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आप एस वाई एस ओ लिख के कंट्रोल दबा के स्पेस दबाओ और एंटर की प्रेस कर दो तो आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक साथ प्रिंट हो जाएगा एक बार फिर से बताता हूं यहां पर आप एस वाई एस ओ लिखो कंट्रोल के बाद स्पेस दबा के एंटर की प्रेस कर दो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक साथ प्रिंट हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आप अपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो और अब आप आपको अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने की जरूरत नहीं है आप हमेशा एक्स की ही वैल्यू प्रिंट करोगे तो हर बार एक्स के अंदर वैल्यू चेंज होती जाएगी जब पहली बार लूप चलेगा तो एक्स के अंदर ए जीरो की वैल्यू होगी मतलब उसके अंदर वन रखा होगा जब दूसरी बार ये लूप चलेगा तो उसके अंदर ए वन की वैल्यू आ जाएगी मतलब टू आ जाएगा फिर अगली बार जब ये लूप चलेगा तो ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी ए टू की वैल्यू आ जाएगी मतलब एक्स के X के अंदर थ्री आ जाएगा तो हर बार एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी और अपने आप ये लूप जीरो से लेकर आखिरी लेंथ तक के इंडेक्स पर चलेगा तो ये आपके लिए बहुत कमाल का लूप होने वाला है यहां पे आपको आई जीरो से असाइन करने की जरूरत नहीं है इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली यहां पर वेरिएबल में वैल्यू लेकर इसको फॉर ईच ऑपरेटर से फॉर ईच लूप से इसको चला सकते हो ठीक है तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर देखो सेम आउटपुट प्रिंट हुआ वन से लेकर फिफ्टीन तक ये नेक्स्ट लाइन में स्ले प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहां पर प्रिंट एल यूज किया है प्रिंट एल मतलब कि नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करेगा अगर आपको एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो एल यूज मत करो और सिर्फ प्रिंट यूज करो तो आपका एक ही लाइन में आउटपुट आ जाएगा वन से लेकर फिफ्टीन तक तो आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा एरे का आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच